इस बार ही चेंज करूँ कुछ, बिना लहसुन प्याज में एक ही लूँगा अब तो, ज़्यादा लेना भाई। प्रणाम करते मैं इस लोगों को, तू कुछ भी खा भाई, हम लोग चिकन खाएंगे दोस्त। चिकन खाते तुम? गुड मॉर्निंग टी के साथ। ऐसे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, बिल्कुल चिल्ड मौसम है, ठंडा है, बालकनी में आके चाय पियो और गुड। टाइम कितना है शशि भाई, टाइम कितना हुआ है? टाइम 5:15 कहाँ गए थे? गुड इवनिंग गाइस, अभी 5:15 हो रहे हैं, शशि भाई अभी साथ में, बाकी लोग नीचे चले गए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, सुहाना भी है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, जो अपना रेस्ट हाउस है वो काफ़ी अच्छा जगह पे है। तो अब नीचे चलते हैं, कुछ लोग गए हैं नीचे, भूख लगी है बहुत ज़ोर की, खाना भी खाने का मन कर रहा है लेकिन वो लोग कहाँ गए वो पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ है भाई, आ जाओ, जब फिर खाना खाते हैं फिर निकलते हैं, ऑन द वे आपसे मिलते हैं। हमारा गेस्ट हाउस हो रहा शिव शक्ति गेस्ट हाउस, और उसका सराउंडिंग आपको दिखाता हूँ। ये 2-3 गेस्ट हाउस आसपास में ही है, लोकेशन काफ़ी अच्छा है, धर्मकोट नाम का जगह है, ये चोटी में बर्फ़, सामने बिल्कुल पहाड़, अच्छा व्यू है। कैमरा में ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन अगर कभी मौका मिले तो यहाँ पे आओ, रुको और लोकेशन का काफ़ी अच्छा मज़ा ले सकते हैं आप। हम लोग एक्चुअली पिक सीजन पर आए हुए हैं तो डाउनवर्ड में काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए होटल की बुकिंग्स भी बहुत मिल नहीं पाई अच्छे से, और हमने लेट बुकिंग किया एक्चुअली, हमें आज आए जैसे हमने, तो हमने परसों बुकिंग के लिए ट्राई किया तो बुकिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर हमने जो ट्रैवल एजेंसी जिसके थ्रू हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं उनसे हमने बात करा, तो उन्होंने अपने ही गेस्ट हाउस में हमें 400 रुपये पर हेड के हिसाब से रूम अवेलेबल कराया हमें, क्योंकि हम लोग इतने थक चुके थे कि आते ही सब कोई अपने सामान फेंक के बस सो ही गए। तो अभी बस नहा धो के हम लोग बाहर निकले हैं और भागसुनाथ टेम्पल की तरफ और झरने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हल्का सा खाना खाने के बाद, स्नैक्स लेने के बाद हम जा रहे हैं भागसुनाथ की तरफ, और मेरे साथ शशि हैं, बाकी हमारे जो मित्र हैं वो ऊपर हैं, फोटो सेशन चल रहा है, हम लोग बस नीचे चलेंगे, वेट करेंगे उनका, आएंगे भागसुना। हमें जाना तो जल्दी है, अब इवनिंग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन भूख इतनी तगड़ी लगी थी कि बस खाना खाते रह गए, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। हमारे मित्रगण काफ़ी लेट आ रहे हैं, इसलिए मैं और शशि सोच रहे हैं कि हम लोग अकेले चलते हैं, वो लोग आएंगे तब वो लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। जो आप पूरा देख रहे हो ये मैक्लोडगंज मेन मार्केट है, और एक तरह से इसको तिब्बतन मार्केट भी बोलते हैं, तो बस छोटा सा मार्केट है ये, एक तरह से टैक्सी स्टैंड है, आगे जाके फिर मार्केट, वो रहा मार्केट सामने, फिर वहाँ से निकलते हुए हम लोग जाएंगे भागसुनाथ की तरफ, सीधा जाएंगे। एक अच्छा LCD स्क्रीन भी लगा हुआ है यहाँ पे। हम मेन मार्केट से होते हुए भागसुनाथ मंदिर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हर जगह पे ट्रैवल एजेंसी मिल जाएगा जो ट्रून ट्रैकिंग आपको करा सकते हैं, लेकिन बेटर अच्छा रहेगा कि आप पहले ही बुकिंग कर लो, यहाँ के बैच कब है, कितने किसके साथ जाना है, एक आपका खुद का ग्रुप हो अगर तो ट्रैकिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल वहाँ पे है भागसुनाथ झरना। एक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल रास्ता अच्छा बना हुआ है इस तरह से, इस तरफ जाते हुए वहाँ पे झरना है, पानी बिल्कुल ज़्यादा है नहीं, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो बस यहाँ का अभी सबसे अच्छा मौसम ही है और कुछ नहीं। जगह पे छोटे छोटे हट्स मिलेंगे, ऐसे दुकान, यहाँ से हम कुछ भी सामान वगैरह खरीद के खा सकते हैं, ठंडा करने का तरीका।
और पंकज शशि कैसा लग रहा है भाई? ऑसम प्लेस। बस ये सोच लो कि थकावट तो हो रही है बट फिर इतनी अच्छी हवा, इतनी प्लीजेंट, मतलब सारी थकावट उतर भी रही है। या बहुत सारी बैलेंसिंग की चीज़ है। बैलेंसिंग आंसर। थकावट तो होती है पहाड़ में चढ़ते हुए, बट जैसा मौसम है, ठंडी हवा है, शांत वातावरण है, तो थकान थोड़ा ऐसे ही कम हो जाता है। शहर के भीड़ भाड़, हॉर्न, पीपा इन सब से दूर अगर थोड़ा सा कुछ वक्त बिताना है तो हिमाचल आइए और अपने जीवन को पूरी तरह से जिए और अपने जीवन को एक्सप्लोर करो। एक जगह रह के कोई फायदा है नहीं। आ जाओ, कोई बात नहीं। नमस्ते। नहीं, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, बस रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, आपके पास भी आ जाएंगे। अच्छा कैमरा, अच्छा। हाँ जी, थैंक यू। टाइम हो गया है और हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ खाएं या बाहर जाएं। नीचे दो लोग बात करने के लिए गए हैं, अगर यहाँ पे खाना हो जाता तो यहीं पे खाएंगे, नहीं तो फिर बाहर जाके खाएंगे। तो अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, मैं और शशि भाई। शशि भाई खाएंगे वेजिटेरियन, हम लोग दोनों नॉन वेजिटेरियन। तीन दिन से हम लोग सोच रहे हैं मुर्गा मिल जाए तो कुछ जो हमारे साथी सात लोग हैं वो ऊपर ही खाना खाएंगे। चिकन राड़ा, और हम लोग राड़ा चिकन हमने ऑर्डर किया है। हमारी जो टेंट है बिल्कुल हमें उस तरफ दिया गया है, वहाँ पे उस चोटी में। तो ग्रुप के 8-9 लोग आगे निकल गए हैं, मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। ऐसे जाना है हमें, रास्ता ये रहा है इस तरफ। बस चलते हैं, जल्दी पहुँचते हैं, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। कैसा लग रहा है? एकदम झकास।